हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत फ्रॉम प्रेमिंग क्लास। आज से मैं एक नई चीज चालू करने जा रहा हूँ, सुपर 30 क्वेश्चन। हाँ सही सुना आपको, सुपर 30 क्वेश्चन। साइंस के 30 बेस क्वेश्चन मैं अलग अलग से पेपर में चूज करूंगा, जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होंगे और आने वाले एग्जाम में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जैसे कि एनटीपी से एग्जाम हो गई, रेलवे हो गई, जेई, व्यापम, और जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो और एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे अच्छे क्वेश्चन है उनके लिए। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, द टॉलरेबल लिमिट ऑफ अ नॉइज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अराउंड। मानव के लिए शोर गुल्ले की सहन करने की सीमा कितने डेसिबल है? तो वैसे तो 80 डेसिबल रहती है, 80 डेसिबल की फ्रीक्वेंसी। तो 80 डेसिबल के आसपास में जो ऑप्शन होगा वो चीज आपको लगाना रहेगी। इसमें मैं एक चीज जो नहीं बताऊंगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे जाना वैसे भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 85 डेसिबल की जो फ्रीक्वेंसी मानव के लिए जो सहन करने के लिए क्षमता से ऊपर होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस फ्रीक्वेंसी अगर डायरेक्ट कंटिन्यू आप सुनते रहे तो आपकी सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड और अति महत्वपूर्ण प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, नॉर्मल टॉकिंग जो सामान्य बातचीत जो हम करते हैं वो कितने डेसिबल की होती है? तो ध्यान रखिएगा, 30 से 40 डेसिबल की फ्रीक्वेंसी होती है। अब एक और जो प्रश्न बनता है जो अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न बनता है, WHO के अकॉर्डिंग कितने डेसिबल की फ्रीक्वेंसी मानव के लिए सर्वोत्तम है? तो ध्यान रखिएगा, 45 डेसिबल की जो फ्रीक्वेंसी मानव के लिए क्या सर्वोत्तम, और अगर WHO नहीं दिया गया तो 30 से 40 डेसिबल के आपके अराउंड लगा के आना है। अब दो प्रश्न और बनते हैं WHO से, तो ध्यान रखिए, WHO का फुल फॉर्म करके पूछ ले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना जेनेवा में, और इसका स्थापना वर्ष 1948। और जो अभी मैंने बताया 80 डेसिबल के ऊपर की मानव की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी जो मानव के लिए हानिकारक है, और सर्वोत्तम कितनी, 30 से 40, और WHO के अकॉर्डिंग 45 डेसिबल की फ्रीक्वेंसी। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, सुपर 30 सीरीज। अगला प्रश्न पूछा, एक पंखा गर्मी के मौसम के दौरान आरामदेह भावना क्यों महसूस करवाता है? तो ध्यान रखिए, आपको जो पसीना वो तेजी से सुखा देता है, जिस कारण से आपको अनुभव कैसा होता है, आरामदायक अनुभव होता है, और ये वाष्पीकृत के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हर दूसरी तीसरी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगर पानी को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब आयतन और घनत्व, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती है। तो हम देखते हैं, देखिए घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का वैसे फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर घनत्व बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम मतलब आयतन है, और आयतन बढ़ गया तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या पूछा गया, आयतन, ठीक है, आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्या होगा, 0 से यहां तक आएगा 4 तक, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ध्यान रखिएगा। दो प्रश्न और मैं बताता हूं अति महत्वपूर्ण, अगर पानी का आयतन पूछा है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे क्या होता है, कम होता है, और अधिकतम, देखिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती है, तो मैक्सिमम अगर आए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या होगा, पानी का सबसे अधिक होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो डेंसिटी और घनत्व, घनत्व और आयतन से रिलेटेड है, क्वेश्चन ऑफ द डे, रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतल जमने पर या फिर रखने पर, बर्फ जमने पर वो फट क्यों जाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर में बॉटल जमने पर फट क्यों जाती है? तो ये आयतन से ही रिलेटेड है, जिस कारण से ये प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा जरूर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस धातु का उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सोना जो है वो क्या है, मूल अवस्था में और फ्री स्टेट में पाया जाता है सोना, ठीक है, गोल्ड, और सबसे तन्य धातु भी क्या है, सोना, मतलब जिसको हम खींच के लंबा कर सकते हैं, करीब मान लीजिए 100 ग्राम सोने से हम करीब 150 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं, कितना, 150 मीटर लंबा वायर हम बना सकते हैं। तो सोना सबसे तन्य धातु, दूसरे नंबर पे तन्य धातु आती है चांदी, चांदी का सिंबल होता है Ag, ध्यान रखिएगा, अभी JEE के पेपर मेरे पेपर में चांदी का सिंबल पूछ लिया था, ध्यान रखिए Ag होता है, और Au किसका होता है, सोने का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आइसोटोप के बारे में पूछा गया, आइसोटोप क्या होता है? तो आइसोटोप में ध्यान रखिएगा, जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो और परमाणु संख्या क्या हो, समान। तो एक एग्जांपल में बताता हूं, जैसे 1H1
कॉमा वन एच टू, ठीक है। अब आइसोटॉप, आइसोटॉप में टॉप ध्यान रखो, टॉप टॉप वाली वैल्यू क्या हो रही है इसमें परिवर्तित हो रही है, देखिए वन और टू, और जिनका परमाणु द्रव्यमान मतलब ऊपर वाली संख्या क्या है द्रव्यमान है वो परिवर्तित हो, और नीचे वाली जो संख्या है परमाणु संख्या वो हमेशा क्या रहेगी समान, तो उसे क्या बोलते हैं आइसोटॉप कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सीरीज भी पूछ सकते हैं 1H1 1H2। अब ये किसका उदाहरण, तो ये ध्यान रखिएगा आइसोटॉप का उदाहरण है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब रेडियो एक्टिव एक्टिविटी जो मेजर करी जाती है रेडियो धर्मी किस द्वारा मापी जाती है, तो ज्ञान जाना गीगर काउंटर द्वारा नापी जाती है। अब इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता मैं बता देता हूं। अब इसमें जो अल्फा बीटा गामा जो रेस निकलती है रेडियो एक्टिव मटेरियल से, तो उसके अगर वो निकलती है तो गीगर मुलर काउंटर द्वारा क्या करी जाती है मेजर हो जाती है। तो जैसे क्या हो गया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इससे जो अल्फा बीटा गामा रेस निकलेगी तो उसको अपन काउंट किससे कर सकते हैं, गीगर काउंटर से। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के अपघटन में ऊर्जा किस प्रकार उत्पादित होती है, तो ध्यान रखना ऊष्मा के अकॉर्डिंग या फिर ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडर है, कोलाइडर मतलब क्या विलय बोल सकते हैं अपन। तो ध्यान रखिए लिक्विड इन गैस, गैस में एक तरल पदार्थ का क्या है कोहरा एक उदाहरण है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा रेटिनॉल है, ठीक है, ए आर से ध्यान रख सकते हैं, और इससे बीमारी कौन सी होती है यही बताना है, रतुंधी, ध्यान रखिएगा ए आर आर, विटामिन ए से रेटिनॉल और रतुंधी बीमारी। अब आपको ये बताना है दोस्तों, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत या बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। अगला है क्लोव, क्लोव मतलब क्या होता है, लौंग, तो किससे प्राप्त होती है, फूल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस पौधे में कॉर्क प्राप्त होता है, प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान रखना क्वार्स से प्राप्त किया जाता है कॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, लसन में जो गंध की गंध का कारण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों दो प्रश्न में बताने जा रहा हूं, लहसुन और प्याज में गंध का कारण, तो ध्यान रखिएगा गंध का कारण है सल्फर, सल्फर के यौगिक, ठीक है, लहसुन और प्याज में गंध का कारण सल्फर, लहसुन और प्याज में एक और चीज पाई जाती है पोटेशियम, और पोटेशियम जो रहता है वो हार्ट के लिए अच्छा रहता है और ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा रहता है, जिस कारण से हार्ट पेशेंट को यूं बोला जाता है कि एक लहसुन की कली मॉर्निंग में आप पानी के साथ गिटक लीजिए, क्योंकि लहसुन में क्या है पोटेशियम है, और पोटेशियम क्या करेगा आपके हार्ट बीट को क्या करेगा कंट्रोल करके रखता है। तो और मैं दो चीज और बताना चाहूंगा, देखिए वो भी लिखा हुआ है, फॉर ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर को और हार्ट डिसीज से बचाता है, ठीक है, लहसुन और प्याज। अब मेनली दो पॉइंट और याद करवाना चाहूंगा दोस्तों, आजकल जो साइंटिफिक नेम जो पूछे जा रहे हैं, गार्लिक का कभी कभी पूछ लेते हैं, गार्लिक का साइंटिफिक नाम बताइए, ओनियन का साइंटिफिक नाम बताइए, तो इस दोनों को देखिए, हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें हमें टिक मार्क लगाना है, तो मान लीजिए ये नाम आप रट रट के परेशान हो जाएंगे, तो मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, देखिए गार्लिक और ओनियन, अब प्याज और लहसुन किसके बिना अच्छे नहीं लगते, तो ध्यान रखिएगा आलू के बिना अच्छे नहीं लगते हैं, तो देखिए इसकी ट्रिक बना लीजिए आप, आलू प्याज और लहसुन किसके साथ अपन बनाते हैं, आलू के साथ बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके साइंटिफिक नेम में क्या आएगा आलू, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड्डी और दांतों का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत होती है हड्डियों और कैल्शियम में, तो ध्यान रखिए हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, दोनों का मेनली घटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु जो स्पर्म जो रहते हैं और अंडाशय को निषेचन होता है, तो ध्यान रखिएगा फेलोपियन ट्यूब में ये दोनों का क्या होता है निषेचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपर थर्डी में औसत हवा में निम्नलिखित में से कौन सा घटक श्वसन की प्रक्रिया में नहीं बदलता है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड इन द एयर डज नॉट चेंज विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन और रेस्पायर की प्रक्रिया में कौन सा क्या नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है,
वाष्पीकरण होता है, नाइट्रोजन गैस जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। इसकी एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20% है, आर्गन 93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% है। अब क्या होता है, हम एक बार में श्वसन करते हैं तो ये सारी गैसेस एक बार में हम इनहेल कर रहे हैं, 100% ले रहे हैं। अब जो है नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कुछ भी उपयोग नहीं है, तो जितनी नाइट्रोजन लिए 78 वित्तीय छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन 20% लेते हैं और ऑक्सीजन वापिस से छोड़ते 16%। अब 4% का हमने क्या करा है, ऑक्सीजन का उपयोग करा है और उसको बदल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ध्यान रखिएगा, जो 4.0032% हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, वायुमंडल में वापिस से रिलीज करेंगे, और ऑक्सीजन 20% ली थी और जिसको 16% वापिस से छोड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन ध्यान रखिए, मानव के रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। हीमो